मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। बालाघाट के जनपद पंचायत कार्यालय वारासिवनी में तीन कर्मचारियों का जुआ खेलते वीडियो शनिवार को दिनभर सोशल मीडिया पर वायरल रहा, जिसमें जनपद पंचायत वारासिवनी के सभाकक्ष में कर्मचारी जुआ खेलते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने वीडियो में पहचाने गए तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जबलपुर में एनआईए और एमपी एटीएस की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को भोपाल में एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद को 7 दिन की रिमांड पर सौंपा है। तीनों को 3 जून को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। खंडवा में दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, या जनपद के सब इंजीनियर से लेकर मुख्यमंत्री तक 8 जगह पर पैसा बढ़ता है। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जब मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के गांव जेत पहुंचा, तो सड़कें और गांव डंपरों से पटे हुए थे। सीएम ने शपथ पत्र ग्रहण में 9 करोड़ की संपत्ति बताई है। उन्होंने इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की, हमारी सरकार आती है तो एक एक भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। वन्य प्राणियों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश में चीतों का पहला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कूनो नेशनल पार्क में तैयार किया जा रहा है। यहां पार्क में स्थित थाना भवन में संचालित किया जाएगा। अत्याधुनिक मशीनें लगाने और वन्य प्राणियों को भर्ती रखकर इलाज करने के लिए अतिरिक्त निर्माण भी कराया जा रहा है। अगले 1.5 माह में यह अस्पताल विधिवत शुरू हो जाएगा। इसमें दुर्घटनाओं में घायल वन्य प्राणियों के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर होगा, तो अत्याधुनिक लैब भी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के 4 दिवसीय प्रवास पर है। शनिवार को कमलनाथ ने सोनसर के रामकोना में ग्रामीण कांग्रेस की बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि अगले 5 महीने में निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा है। इतने साल आप लगे रहे, इसी निष्ठा के साथ लगे रहोगे तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। छिंदवाड़ा में हर क्षेत्रीय अध्यक्ष और समन्वयक को भेज दिया जाएगा। आगामी दिनों में प्रदेश में बनने जा रही कांग्रेस सरकार में यह भेज मंत्रालय के लिए गेट पास होगा। आप इस भेज की सहायता से अपने 5 साथियों को मंत्रालय में ला सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।